अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं छोटा सा एक लेके आया हूँ, तो आप भी सोच रहे होंगे। तो इतनी बड़ी कॉलोनी लगाई है 15 पेयर की, और बड़े केजेस भी रखे हुए हैं, तो छोटे केज की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो फ्रेंड्स, मेरा जो अल्बाइनो के कुछ पट्ठे निकले हुए थे, उनमें से एक पट्ठा जो है उसकी आई ख़राब हो गई एक साइड से। तो उसके लिए मुझे ये हॉस्पिटल केज बनाना था, तो जिसकी वजह से ये मैं छोटा केज लेके आया। पहले एक था मेरे पास, लेकिन उसकी तारें वगैरह काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इस वजह से मैं नया ले आया। तो फ्रेंड्स, ये जो केज है, मुझे तकरीबन प्राइस की बात करें तो 850 रुपये का मिला है, यहाँ लोकली अपने पास से ही मिल गया है, करीबी शॉप से। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप आपका छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास ही हॉस्पिटल केज एक होना ज़रूरी है। तो बर्ड्स किसी टाइम भी आपका अल्लाह न करे बीमार हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको उसको सेपरेट करना पड़ता है, तो फिर उसके टाइम मसला बन जाता है। तो इसी वजह से ये मैं लेके आया था, तो मैं भी अब इसको सेपरेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, बात करते कि इनका मसला बनता क्यों है आइस का। तो फ्रेंड्स, कुछ केज गंदा होने की वजह से, और दूसरा ये एक मौसम चेंज हो रहा है, अभी मच्छर वगैरह भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मच्छर के काटने की वजह से भी इनको आई का जो इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे वो वीडियो बना के शेयर करूंगा कि उसकी आंखों में लगाने वाली कौन सी दवाई है, और उसको पिलाने वाली कौन सी दवाई देनी चाहिए, जिससे बर्ड्स की आंखें जो हैं ठीक हो जाएँ। तो अभी ये फ्रेंड्स, ये इस वाइट केजों में ये सेकंड नंबर पे इसका नंबर है, इससे छोटा भी एक होता है, बाकी बड़े तो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं, इसी तरह की शेप में कॉलोनी टाइप भी, जो आप फ्लाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बर्ड्स के, अगर पट्ठे वगैरह आपके पास निकले हुए हैं तो। बाकी फ्रेंड्स, इसका ये मेजरमेंट का मैं इंची टेप से आपको इसके पे मैच करके तो आपके सामने ये भी आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो फ्रंट से जो लंबाई है वो तकरीबन है 14.5 इंच है, तो ये आप देख सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड तो जो है इसकी 14.5 है, और वो जो हाइट है ऊपर से नीचे तक वो तकरीबन इसकी बनती है 13-13.5 इंचीस। तो इसी तरह जो इसके बैक साइड है, आगे से पीछे या पीछे से आगे की तरफ आप इसकी पेमाइश करें, तो ये तकरीबन 10-10.5 इंचीस बनता है। तो बीमार परिंदे के लिए इतना काफ़ी है, आप एक पूरा पेयर भी अल्लाह न करे आपका अगर बीमार हो, तो आप इसमें रख सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, इसका जितना भी सिस्टम है वो सारा वो पोर्शन केज की तरह है, नीचे इसी तरह ट्रे दी हुई है, जिसको निकाल के आप गंदगी वगैरह इनकी जो है साफ़ कर सकते हैं। बर्तन लगाने के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं साथ, तो उसी तरह ये बाहर से बर्तन लगते हैं, तो दाना भी आप बाहर से कर सकते हैं, और मेडिसिन के लिए पानी वगैरह जो देना हो वो भी आप बाहर से दे सकते हैं। ये नहीं है कि पार्ट आपने अंदर रखे तो परिंदा बैठा तो उलट गया या गंद बन गया, वो सिलसिला नहीं है, सेम वही पोर्शन केज वाला हिसाब है। तो ये मुझे जो है इसके दोनों बर्तनों के साथ जो है 850 रुपये का मिला है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं छोटा सा भी बना हुआ है इसका एक खाना, यहाँ पे यहाँ से हाथ डाल के आप परिंदा पकड़ सकते हैं। तो इसके अलावा बड़ा डोर भी है इसका, जो लॉक है यहाँ पे तार का ही लॉक बना हुआ है, तो वो लगा हुआ है, वो खोल के मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो बाकी ये है कि मरीज़ बर्ड जो है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, काफ़ी अर्सा निकाल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।